बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसे एंड एग रोल्स। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और ये रमज़ान के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक कप मूंग दाल ले रही हूँ, इसको मैंने पानी में भिगो के 1 से 2 घंटा रखना है। तो यहाँ पर 4 पाउंड कीमा ले रही हूँ, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके अलावा 2 हरी मिर्च ले रही हूँ, अदरक 2 टीस्पून, लहसुन 2 टीस्पून, 3 क्यूब्स ले रही हूँ हरी मिर्च का। तो यहाँ पर आप देखिए 2 घंटे हो चुके हैं सोक किए हुए। 1 मीडियम साइज अनियन भी शामिल करेंगे। मिसालों में मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी लिया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ले रही हूँ, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, 1 टीस्पून क्रश पेपर ले रही हूँ, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर 3D मसाला लिया है, 1 टीस्पून गार्लिक एंड पेपर ले रही हूँ, कीमा मसाला 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। यहाँ पर 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। इसके बाद मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, अदरक भी 2 टीस्पून है। इसके बाद कीमा शामिल कर रही हूँ, 4 पाउंड कीमा है ये। पाँच मिनट के बाद मैं यहाँ पर ग्रीन चिली का जो क्यूब बना के रखा है वो शामिल करूँगी, 3 अदद, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो शामिल कर रही हूँ। दस से 15 मिनट तक इसको मज़ीद कुक करेंगे। एक कप मूंग की दाल शामिल कर रही हूँ जो कि सोक किया हुआ था। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस दौरान कवर करके लो फ्लेम में इसको कुक करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। वन मीडियम स्लाइस किया हुआ अनियन शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। दो अदद हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं।
इस दौरान मैं चेक कर रही थी कि मूंग की दाल जो कुक हुआ है कि नहीं, लेकिन ये कुक नहीं था, हल्का सा अभी भी है। तो 5 से 6 मिनट लगे इसको कुक होने में। तो 5 से 6 मिनट के बाद मैं यहाँ पर चेक कर रही थी तो ये ऑलरेडी कुक हो चुका है मूंग की दाल। तो बस यहाँ पर रेडी है, आप इसके मज़े मज़े के समोसे बनाइए। अब यहाँ पर मैं 4 चम्मच आटा ले रही हूँ और इसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ और एक अच्छा सा थिक पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा और पानी शामिल कर रही हूँ। तो इस तरह का हमें चाहिए। अब एक प्लेट में मैंने कीमा और इस तरह से मूंग की दाल को रख के उस पर पतला धनिया काट लिया है और यहाँ पर अब मैं एक समोसा आपको बना के बताऊंगी। तो यहाँ पर एक पिक्चर मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैं समोसे बनाना शुरू करूँगी। बस अब इसमें कीमा फिल कर रही हूँ। आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ तकरीबन 2 टीस्पून डाल रही हूँ। इसकी आटे की जो पेस्ट बना के रखा है उसकी मदद से ये बंद करेंगे। तो यहाँ पर मैं अंदर की तरफ लगाती हूँ, अगर आपने ऊपर की तरफ लगाना है तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। देखिए बहुत ही प्यारा समोसा रेडी है। चलिए रिपीट करती हूँ और आपको फिर से बताती हूँ। मैंने एक भर के डाल दिया है तो दूसरी चम्मच की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस इस तरह से करके आपने अंदर की तरफ या बाहर जो आपको आसान लगे। सेम थिंग करेंगे और इस तरह से बना के रखती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एग रोल की जो शीट है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है अगर आपने एग रोल्स बनाने हैं। इसको इस तरह से आप फोल्ड करें और साइड से बस इस तरह से बंद करके एग रोल बनाते जाएं। इसी तरह रमज़ान की तैयारी शुरू है, एग रोल साथ साथ बना रही हूँ, समोसे में बना चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने शामी कबाब भी बनाई हूँ, उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। और ये जो एग रोल्स वगैरह है आपने ज़रूर ट्राई करना है, समोसे एंड एग रोल्स बहुत ही मज़े की बनती है, आप यकीन जाने आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर आप फॉलो करते रहें और फिर नेक्स्ट रेसिपी का भी वेट करें, शामी कबाब। बस दूसरा आपको बता रही हूँ इस तरह से करना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समोसा एंड एग रोल रेडी है। अब मैं इसको फ्रीज कर दूंगी और फिर रमज़ान के लिए सिर्फ मुझे करना ये होगा कि मैं इसको सिर्फ फ्राई करूंगी और फिर इंजॉय करेंगे। तो चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।